कल माननीय न्यायालय की तरफ से उनकी गैर मौजूदगी की वजह से NBW निकला था। आज हमने न्यायालय के सामने दोनों हाजिर हुए, दोनों लोग 24 आवर्स भी नहीं गुजरे थे और अपनी बात रखी। उनके मेडिकल जो डॉक्यूमेंट्स थे वो न्यायालय को बताए और बताया कि क्या मजबूरी थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो NBW इशू किया था वो कैंसिल कर दिया, विड्रॉ कर दिया। कुछ शर्तें भी लगाई हैं क्या? नॉर्मल शर्तें ये कि भाई आप जो हैं वो तारीख पर रहेंगे, जो आमतौर से मैटर्स में लगती हैं। हमारी तरफ से कभी भी कोई जो है वो अटेंडमेंट्स नहीं ली जाती है, हम हर तारीख पे विटनेस को क्रॉस करते हैं और कोई किसी तरह का हम हैम्परिंग नहीं कर रहे हैं ट्रायल की प्रोसीडिंग। अच्छा, किस मामले में ये NBW जारी किए गए थे? ये बर्थ सर्टिफिकेट वाले। अब अगली डेट क्या लगाइए? अगली डेट 16 तारीख। अच्छा, तंजीन फातिमा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उन्होंने रिलीज किया? दोनों के ही सिलसिले में निकाला था ऊपर करो और उसको वापस कर लिया गया है। लेकिन हमारी एक एप्लीकेशन, चूँकि उनके दो ऑपरेशन हो चुके हैं ओवरी का और स्पाइन का भी, और उनका जब वो सीतापुर जेल में थी तो गिरने के बाद फ्रैक्चर भी हो गया था, ये तमाम बातों के मद्देनज़र हमने एक परमानेंट एग्जेम्पशन की भी एप्लीकेशन लगाई थी। अब वो डेट पर जब मैटर आएगा तो हम उसमें रिक्वेस्ट करेंगे। तो बॉन्ड वगैरह भी भरवाए गए? अब पर्सनल बॉन्ड जो नॉर्मल जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के। कितने का बॉन्ड भरा है? 1 लाख रुपीज़। और जमानती? नहीं, विदाउट एनी सिक्योरिटी।